राम राम, मेरा नाम है राम सिंह मार। और जिस प्रकार से 2024 का चुनाव है, ऐसे में पहली बार बेटियां वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगी, लेकिन जिस प्रकार से 2024 का चुनाव है तो जनता के बीच किस प्रकार का उत्साह है, एक युवाओं में किस प्रकार का उत्साह है, जोश है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। वो तमाम वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और मतदान केंद्र पर जरूर जाएंगी, क्योंकि ये बेटियां इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी एक प्रेरित कर रही हैं, और साथ में ये भी अपील कर रही हैं कि वोट डालने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान केंद्र जाना चाहिए। केवल बुजुर्ग या नौजवान ही नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को इस नज़रिया रखना चाहिए कि वोट डालने के लिए ज़रूर मतदान जाएं, क्योंकि वोट की चोट से ही अपनी बात रखी जाती है और वोट की चोट से ही किसी को सियासत पर बिठाया जाता है तो किसी को उतार दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाँव देहात से और शहर से बेटियाँ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे तो जहन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप अपना मतदान करेंगे? मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ तो मैं अपना वोट इंसान को देखकर नहीं, उसके काम को देखकर डालना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी जात या अपने धर्म के लोगों को ही वोट डालना चाहते हैं, जिससे सिर्फ उनके वर्ग का ही जो है विकास हो पाए। इससे उनके वर्ग का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, लेकिन हमें पूरे सभी वर्गों को देखकर और इक्वालिटी के साथ सबका विकास करना चाहिए। पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी सर। बिल्कुल, हमारे साथ और भी बेटियां हैं। जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो मौजूदा समय में इस सरकार में महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा मिला है? घर से जब बाहर निकलते हैं, रात को घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी मजबूती देखते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र? सुरक्षा सरकार से तो नहीं नापी जाती, नागरिकों से नापी जाती है, पर इस सरकार में शायद सुरक्षा बढ़ी है और महिलाओं का बाहर काम करने का मुद्दा भी जो उठता है वो बढ़ा ही है, क्योंकि आजकल किसी भी सेक्टर में देखें तो वीमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हर वीमेन काम करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, रोज़गार का मुद्दा जो उठ रहा है वो युवाओं में सिर्फ मेल में नहीं, फीमेल में भी ज़्यादा हो रहा है, तो एक सरकार ने अच्छी पहल की है। कौन सा मुद्दा जहन में रखकर वोट डालने जाएंगे पहली बार? देश के विकास का मुद्दा जहन में रख के वोट डालने जाऊँगी। ऐसा आदमी को वोट दूँगी जो देश का विकास करे और हर बहुमुखी विकास करे, एक मुद्दा ना पकड़े, रोजगार का मुद्दा ना पकड़े, स्वास्थ्य का, देश का, हर तरह का मुद्दा पकड़े और देश के विकास में योगदान दे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी बेटियां हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें रोजगार की बात करें तो मौजूदा सरकार में, पहले की सरकार में रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं तो उसको कैसे देखते हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो रहा है या सरकारी क्षेत्र जो है कमजोर हो रहा है? सर, सरकारी में थोड़ा सीट्स हमारी कम हो रही है क्योंकि वो रिजर्वेशन का भी एक इशू रहता है, बट अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है इंडिया में और उसके कारण बहुत सारी न्यू कंपनीज, MNCs, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया अट्रैक्ट कर रही है और वो कंपनीज हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है और बहुत सारी सिटीज़ हमारी स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही है और उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज भी एस्टेब्लिश हो रही है, तो उसके कारण हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है। अच्छा, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे पहली बार वोट डालने के लिए आप जाएंगे, क्योंकि कितना एक्साइटमेंट है पहले तो ये बताइए। सर, बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम कि हम वोट दे रहे हैं और मैं लोकतंत्र के हित को देख के वोट करूँगी, राजतंत्र को देख के नहीं, तो यही मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप भी लोकतंत्र को देख के वोट करें और राजतंत्र के हित में। लिहाजा बिल्कुल लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व जिस प्रकार से चुनाव होता है और ख़ास तौर पर बेटियां भी बड़ी बेबाकी से यही बात बोल रही हैं, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और लगातार जो है ऐसे में वोट के लिए भी अपील कर रही हैं। हमारे साथ और भी बेटियां हैं, आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, वोट डालने के लिए पहली बार जाएंगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे आपके आस पड़ोस में आप देखते हैं, महसूस करते हैं? सर, पहले तो यही है कि देश के विकास जो करेगा उसको हमें वोट डालना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारी जाति का है, हमारे आसपास का है। कई लोग करते हैं, गांव में इतनी एजुकेशन सिस्टम नहीं होता जितना शहर में होता, गांव के लोग ये करते हैं कि हाँ ये हमारा रिश्तेदार है तो हम उसको ही वोट करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। गाँव वाले व्यक्ति को भी ये सोच समझ के वोट देने के लिए कि उसके गाँव का भी विकास होगा, साथ में हमारे देश का विकास होगा, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगी, उससे जो भी हमारे आने वाली जनरेशन है उसको एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिलेगा ताकि वो आगे सोच समझ के अपने कदम बढ़ा सके और देश का विकास कर सके। बिल्कुल, महिलाओं की शिक्षा को लेकर कैसे देखते हैं, कितना बदलाव हुआ, महिलाओं को कितना अवसर आगे मिल रहा है? सर, इस सरकार में महिलाओं को बहुत अवसर मिल रहा है, वो बहुत आगे जा रही हैं, उनमें पढ़ने की और कुछ करने की चाह बढ़ रही है,
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी बढ़ रहा है महिलाओं को। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सरकार ने महिलाओं को, जिस प्रकार से लोकतंत्र की भी बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्र की बात करें, लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं, महिला के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि युवा बेटी की तरफ? काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं समाज में, अब महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने भी लगी है, रात देर रात तक ऑफिस से भी आती है, काफ़ी काम करने लगी है, तो मैं यही चाहूँगी कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रही हैं, चाहे सरकारी कार्यालयों की बात हो, प्राइवेट कार्यालयों की बात हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो या फिर रेलगाड़ी चलाना हो, हर क्षेत्र में बेटियां अव्वल दर्जे पर हैं। और लिहाजा ये संभव तब हो पाया जब महिलाओं को उनका अधिकार मिलना शुरू हुआ। हमारे साथ और भी बेटियाँ हैं, गाँव से आप आती हैं तो पहली बार वोट भी डालेंगी, गांव से शहर में आने में कितनी तकलीफ महसूस करती हैं, कितनी दिक्कत होती है, सड़कें कैसी हैं ये बताएं। गांव से शहर तक आने में बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है हमें। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बंदेपुर से जो ITI तक की सड़क है वो पूरी टूट के जाम कर रखी है, और हमें बीच के रस्तों से निकल के आना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है। और जो बस वगैरह है, बस भी लास्ट 2 बजे की है, जैसे लेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमें कुछ नहीं मिलता उससे। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे तो इस बार मुद्दे कौन कौन से होंगे जहन में? इस मुद्दे बस यही कि देश का डेवलपमेंट हो हर चीज़ में, और मतलब पढ़ाई का तो क्षेत्र अच्छा चल ही रहा है, खेलों में भी ध्यान दिया जाए, बस यही। अच्छा, जिस प्रकार से बात करें तो पहले जिस प्रकार से घरों से बाहर निकलने में महिलाएं हिचकिचाती थी, अब क्या स्थिति है, कितना बदलाव आया है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? घरों से निकलने में हिचकिचाहट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, मतलब फ्रीली हम आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब कुछ बहुत सही। अच्छा, ये जो बदलाव हुआ, पहले गांव में बेटियों को ये रहता था कि हाँ उम्र हुई और शादी कर दी, क्या इस सोच में बदलाव आया है? चूल्हे चौके तक बेटी को सीमित रखा जाता था, अब आप गाँव से निकल कर कॉलेज तक पहुँच रही है, गाँव की सोच में कितना बदलाव आया है? इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, अब 18 की होते ही बेटियों को ब्याह नहीं दिया जाता है, उन्हें अच्छा पढ़ाया भी जाता है, खेलना होता है किसी को तो खिलाया जाता है, डॉक्टर बनना होता है वो बनाया जाता है, इंजीनियर बनना हो वो बनाया जाता है, जिस फील्ड में जो करना हो वो करने दिया जाता है, सिर्फ रोटी और चूल्हे तक सीमित नहीं रखा जाता। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ और भी बेटियाँ हैं, आप कैसे देखते हैं एक महिला के तौर पर, एक युवा के तौर पर, क्योंकि ये चुनाव जो है काफ़ी बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो पहली बार वोट डालेंगे तो जहन में मुद्दे क्या हैं? जैसे कि हमें पता है कि 2024 वुमेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, तो वुमेन की नीड्स के लिए जो भी हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे, जो भी वुमेन्स को आगे ले जाने के लिए, देश के विकास के लिए हेल्प करेगा, उसको हम वोट देंगे, और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो पूरे देश के विकास के बारे में सोचे, ये नहीं कि एक सेक्टर के बारे में सोचे दूसरे के बारे में नहीं और भेदभाव करे, ऐसे मुद्दे हम यूज़ नहीं करेंगे। और वुमेन एम्प्लॉयमेंट से लेके मैं जो कि कह रही हूँ कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन हेल्थ के इश्यूज़ जो होते हैं उनको मुद्दे में रखे अपने, और उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अच्छा, देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए हैं, बहुत ही कम हॉस्पिटल हैं, उसको कैसे देखते हैं कि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल पर डिपेंड रहता है, क्या उनमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं, या आपका मुद्दा जब वोट डाले जाएंगे तो ये मुद्दे रहेंगे जहन में? हाँ, ये मुद्दे ज़रूर रहेंगे, क्योंकि आजकल भी कई सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, एक से दूसरे में रेफ़र कर दिया जाता है अगर नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह है, स्कूल्स है, स्कूल में जैसे कई टीचर्स होते हैं कि सरकारी टीचर्स है बट बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते, और कई स्कूल्स में है कि आपका मुद्दा जब वोट डाले जाएंगे तो ये मुद्दे रहेंगे जहन में? हाँ, ये मुद्दे ज़रूर रहेंगे, क्योंकि आजकल भी कई सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, एक से दूसरे में रेफ़र कर दिया जाता है अगर नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह है, स्कूल्स है, स्कूल में जैसे कई टीचर्स होते हैं कि सरकारी टीचर्स है बट बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते, और कई स्कूल्स में है कि सरकारी टीचर है और इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले भी, तो मैं ये भेदभाव जो होता है ये नहीं करना चाहूँगी, सारे जो भी एम्प्लॉयमेंट में जो भी हमारे स्कूल या फिर हॉस्पिटल है वो सारे एक जैसे हो, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, कि ताकि जो भी व्यक्ति है चाहे कितने ही नीचे वर्ग का हो कितने ही ऊंचे वर्ग का हो, सबको एक जैसी हेल्थ इश्यूज सबके एक जैसे ही होते हैं, तो सबको एक जैसी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उसको मिल नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, सबकी फैसिलिटीज सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं पढ़ाई में कितना बदलाव है, गाँव की जो स्कूल हैं उसमें कितनी स्थिति में बदलाव देख रहे हैं?
सर पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, बच्चों को पढ़ाने दिया जा रहा है, और जो सरकारी स्कूल है उसमें भी काफ़ी डेवलप हुआ है। जो टीचर है उनके आजकल टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे मतलब कि जैसे पहले होते थे, पहले सरकार में होते थे, सारों का टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे आप? यस सर, मैं पहली बार। कितने एक्साइटेड हैं? सर नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि पहली बार देने जा रही हूँ और आज तक मतलब कि मैं हुई नहीं ऐसी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से युवाओं ने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है, और इस बार जो है चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या स्थानीय मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर युवा जमकर बोले हैं, और इस बार जो है देश हित को लेकर युवा वोट डालेगा, और लिहाजा 2024 का ये खूबसूरत पर्व है, और युवाओं ने अपील भी की है कि घरों से बाहर निकल कर वोट डालने के लिए जरूर जाएं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।